लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। लाडकुई वन परिक्षेत्र के कर्मचारियों ने लकड़ियों के 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें सागौन की सिल्ली के अलावा कई सागौन की लकड़ियों के बने फर्नीचर बरामद किए गए और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लाडकुई में मनीष और रवि विश्वकर्मा के घर लकड़ियों का काम चल रहा था, जिसमें 10 नग सागौन की लकड़ियां मिली हैं। वहीं बबलू मांगीलाल विश्वकर्मा के घर से 41 नग सागौन की लकड़ी पकड़ी गई है। वहीं कपिल मीणा निवासी भादाकुई के घर से 41 नग लकड़ी और अन्य सामग्री बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लाड़कुई गांव में कुछ लोग जो है अवैध रूप से इसका लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं, कारखाना चला रखा है। तो हमारे स्टाफ को भेजकर कार्रवाई करवाई गई, जिसमें एक मनीष सनाप रवि विश्वकर्मा लाड़कुई का है, जिसके यहाँ से हमने 0.76 घन मीटर लकड़ी सागौन की जब्त की है। और उसमें दूसरे में जो है बबलू पिता मांगीलाल विश्वकर्मा है, ये भी लाड़कुई का निवासी है, ये अपने वहाँ पे काम कर रहा था इसका मिस्त्री का। और इसके यहाँ से 41 नग हमने वन उपज सागौन की पकड़ी है, जिसका 0.080 घन मीटर करीब वो है उसका, और इसका इसकी कीमत है 3200 रुपये करीब। और 3 नग जो है उसमें इनके जो औजार होते हैं वो पकड़े हैं हमने, मशीन वगैरह जो मशीन से काम करते हैं, मशीन से जिससे काम करते हैं। सर, ऐसा सुनने में आया कि एक कार्रवाई और भी की गई है जो भादाकुई। हाँ, एक और भादाकुई में कार्रवाई की गई है, कपिल नाम के यहाँ, कपिल पिता हरिनारायण मीणा है ये, और इसके यहाँ से 41 नग करीबन सागौन के चरपट पकड़े हैं, उसका 0.279 घन मीटर है उसमें, और उसकी कीमत है 10160 रुपये। और 8 नग जो है जब इसकी मशीन वगैरह पकड़ी, औजार वगैरह है उसके यहाँ से, और उसकी कीमत है 4650 रुपये। और कुल राशि जो है इसमें 23850 रुपये के करीब हमने जो है जब्ती की है, इसमें औजार और सब है इसमें। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।